मैं 6 साल से पोस्टेड हूँ झांसी में, आज तक मेरे मुझसे पहले 4 ऑफिसर्स चेंज हो चुके हैं। उन 4 लोगों का रिव्यू नहीं लिया सकते कि मैं बदतमीज हूँ कि मैं बदतमीज नहीं हूँ। आज तक मेरे अंदर कोई कमी नहीं थी, आज उनके आने से सिर्फ इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रही कि मैं उनके साथ रहती हूँ। इंस्पेक्टर है तो मुझे वो मार सकती है, मुझे डेढ़ बजे की बात है। कप्तान सर के ऑफिस में बैठे, कप्तान सर ने एक बार ये नहीं सोचा कि इसी लड़की पे मैं भी मीडिया बाजी नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि क्या एक लोक सेवक को कोई इंसान उसके थाना परिसर में मार सकता है सर? वो दूसरे साथ न्याय करेंगे जब वो अपने ऑफिसर अपने 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 अंडर ऑफिसर के साथ इस मिसबिहेव करे तो वो क्या करेंगे सर? सर मेरी शादी 21 नवंबर, मैं इन सब चक्कर में मैं कितनी मानसिक रूप से आहत हूँ सर। मैं रेपुटेड लड़की हूँ, मैं 4 साल से, मुझे बहुत सारे लोग तो अभी जानते भी नहीं होंगे कि अमृता पांडे नाम है कोई महिला थाने पॉजिटिव। मैं आज तक कभी बाहर नहीं गई, अपने ऑफिस तक नहीं जाती, मैं ना कभी कोई TA लेती, मुझे नहीं अच्छा लगता ज्यादा लोगों से मिलना या बात करना। और उन्होंने मेरे साथ इतना गंदा बिहेव किया सर, ऐसा क्यों? मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि ये मानवाधिकार का आनंद नहीं है, ये मानवाधिकार का आनंद नहीं है कि एक ऑफिसर दूसरे ऑफिसर को घंटा मारे, हाथ मोड़ के घंटा मारे। उनकी पर्सनैलिटी देखिए, मैं तो उनसे प्रोटेक्शन भी नहीं ले सकती, मैं कैसे प्रोटेक्ट ले सकती हूँ उनसे सर? मैं बस इतना जाती सर। अभी अभी आप शिकायत करने कहाँ आए हैं आप? मैं उनके पास गई तो वो कह रहे कप्तान सर के पास जाओ। मैं 2 बजे से 6 बजे तक 5 बजे तक कप्तान सर के ऑफिस में बैठी रही सर। किसी उन्होंने वो आए, उन्होंने एक बार ये भी नहीं सोचा कि मैं चाहती मैं पहले मीडिया वजी कर सकती, पर मैं सर किसी चीज़ का इशू नहीं बनाना चाहती। मैं बस ये चाह रही थी कि मैं कप्तान सर से इतना पूछ सकती हूँ कि सर क्या कोई सीनियर अपने जूनियर्स पे हाथ उठा सकता है? अगर मैंने गलती भी की थी, मैंने बहुत बदतमीजी की थी, तो मुझे डांट सकती थी। उनके पास पावर ऑफ राइटिंग है, वो अपने पावर ऑफ राइटिंग का यूज कर सकती थी। मुझे सबके सामने वहाँ पर थप्पड़ मारेंगे सर, आप इतना बताइए। मैं 2 बजे रो रो के एक बूंद पानी नहीं पिया सर, मुझे बहुत फील हो रहा है कि मुझे इतने लोग सामने ना थप्पड़ मारे सर।